सीधी संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर राजेश मिश्रा का आज सियावल विधानसभा के कई गांवों में ताबड़तोड़ प्रचार देखा गया। भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर राजेश मिश्रा ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि रोड, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी मूलभूत समस्याओं से निजात दिलाना मेरी प्रथम प्राथमिकता रहेगी। सोन घड़ियाल के बारे में उन्होंने कहा कि यह एरिया सीमित कर दिया जाना चाहिए जिससे उस क्षेत्र का रुका हुआ विकास सुचारू रूप से शुरू हो सके। बेरोजगारी के संबंध में उन्होंने कहा कि हमारे संसदीय क्षेत्र में जितनी औद्योगिक कंपनियां हैं सभी के 70% युवा बेरोजगारों को रोजगार दिलाने का काम किया जाएगा। साथ ही भाजपा में गुटबाजी के सवाल पर भाजपा प्रत्याशी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है। हमारे संसदीय क्षेत्र के प्रत्येक पदाधिकारी और कार्यकर्ता अपने परिवार की तरह चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। ये मुद्दा तो है लेकिन अब मुद्दा आपका एक साल के अंदर पूरा हो जाएगा, ये मुद्दा नहीं रहेगा। हमारी जो ब्रिज है वो अभी एक महीने के अंदर ब्रिज का एक लेन शुरू हो जाएगा और अभी तक क्योंकि हमारे राजीव सिन्हा जी हमारे संवाद थी हैं और मुख्यमंत्री हैं, वो भी विकास की बहुत रुचि रखते हैं और मैं समझता हूँ कि इसकी राजसी कर रहे हैं और राधा सिंह जी भी हैं, हमारी मंत्री हैं यहाँ पर और हम तीनों लोग एक ट्रायंगल जो मिलेगा तो इस क्षेत्र के विकास में कहीं चाहे रोड का हो चाहे आपका जो रेलवे का भी एक इशू है, ये भी बहुत सारी चीज़ें आपको बताऊँ दिखता नहीं लेकिन कम्प्लीट हो चुका है। सोन का ब्रिज कम्प्लीट हो गया है, सड़क कम्प्लीट हो गई है, बहुत सारा आर्टवर्क हो गया है, ये भी हमारा प्रयास होगा कि हम 1.5-2 साल में करें हम इसको कम्प्लीट कर दें। और सीधी में भी एक हमारा जो ये अभयारण्य वो बना दिया था सोन घड़ियाल प्रोजेक्ट का, ये यूजलेस है, मुझे ऐसा लगता है इसकी इसकी जरूरत नहीं है, इसको हमको तो ओपन कर देना चाहिए, इससे हमारा जिले का रेवेन्यू पड़ेगा और ये जो घड़ियाल प्रोजेक्ट है इसको एक सीमित क्षेत्र में कर देना चाहिए। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।